आज हम बात करेंगे लड़कों के टाइमिंग के बारे में। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं, लड़के हैं, जो ये सोचते हैं और ये उनके माइंड में रहता है कि परफेक्ट टाइमिंग क्या होता है, मतलब कितनी देर हम करें, अंदर बाहर कितने देर करें कि वो जो टाइमिंग है वो मतलब नॉर्मल है, मतलब हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो देखो, जो बेस्ट जो टाइमिंग है वो 4 से 5 मिनट का जो टाइमिंग होता है ना, वो बेस्ट होता है। काफ़ी लोग सोचेंगे टाइम तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन ये टाइम केवल अंदर और बाहर आप करते हो तो वो टाइम है। अगर आप इतना ज़्यादा कर लेते हो तो आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आप 1 मिनट 2 मिनट में ही अपना जो डिस्चार्ज है वो निकाल देते हो, आपका स्पर्म जो है निकल जाता है, तो यहाँ पे आपको समस्या है, आपको अर्ली डिस्चार्ज की समस्या है, आपको प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, ठीक है। मैं मिनिमम मिनिमम अगर आप 4-5 मिनट अगर कर लेते हो तो ये नॉर्मल होता है, और कई लोगों का इससे ज़्यादा भी टाइमिंग जाता है, तो ये परफेक्ट टाइमिंग होता है लड़कों का। तो काफ़ी ऐसे पुरुष हैं जो ये सोचते हैं कि कितना टाइम हम करें कि वो 5 मिनट बेस्ट का जो होगा। टाइमिंग है ना, ये नॉर्मल है, और ये टाइमिंग केवल इंटीमेट होने का टाइमिंग है। जैसे जब आप अंदर बाहर करते हैं, सेक्स करते हैं, उस टाइमिंग वो टाइम है ये, कि 4 से 5 मिनट ये टाइम है। यहाँ पे आपको जैसे फोर प्ले है उसको उसका टाइम ऐड नहीं किया गया है, और जो लास्ट में आप थोड़ा बात करते हो या आउट प्ले करते हो तो उसका टाइमिंग ऐड नहीं है, केवल इंटीमेट होने का टाइम ऐड है जिसमें आप सेक्स करते हो। तो ये नॉर्मल 5 मिनट होना चाहिए। कई जो ऐसे पुरुष हैं जो बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त होते हैं और उनकी बॉडी जो है बहुत अच्छी होती है, तो उनका जो टाइमिंग है और ज़्यादा बढ़ सकता है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक जा सकता है, लेकिन 4 से 5 मिनट इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर किसी का 1 मिनट या 2 मिनट में ही डिस्चार्ज हो जाता है तो उनकी बॉडी सही नहीं है, उनको अर्ली डिस्चार्ज की समस्या है, उनको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और कुछ ऐसे सप्लीमेंट है जो कि यूज़ करना चाहिए अपने डेली लाइफ में।